अपने पिंक में देखा कितने बड़े बड़े शाले और उसमें पानी भर चुका, और जब भी इनकी ड्रेसिंग होती थी मतलब पट्टी करते थे तो वो सारी चमड़ी उतर जाती थी, पूरा रेडनेस, पूरा बहुत दर्द तकलीफ, और उसके कारण इनकी ये टांग और इनका बाजू सूज कर इतना पूरा फूला हुआ। प्रार्थना करता हूं इस बच्चे के लिए, जो भी ड्राइवर ने अपनी छुट्टी देना इस हालात में पैदा किया, शैतान की हर छुट्टी को प्रभु यीशु मसीह के नाम के विच निष्फल कर, निष्फल करना पूजा, मैं घोषणा करता चंगियाई की रिकवरी, यस मैं घोषणा करता चंगियाई की रिकवरी, नेम ऑफ जीसस मेरे जीवन नाम से सारी सूजन, सारी सूजन यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ सभी पूरा करें, जीवन नाम से सारी सूजन जाए, स्किन का सूखना शुरू, सारी स्किन सूखने लगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इस ब्रदर का नाम रंजोत सिंह है और जे असनाला रोड महलावाल गांव के रहने वाले हैं, और इस ब्रदर जी की गवाही जे जे बता रहे कि 16 सितंबर 2023 के दिन इन्होंने अपनी न्यू शॉप ओपन की थी जो कि किचन की शॉप थी, और जे बता रहे कि जैसे जे अपना काम इन्होंने शुरू किया था और इनका काम शुरू होने से 25 दिन हो गए थे, और 25 दिन से जी अपना काम अच्छे से कर रहे थे, और जे बता रहे कि 7 अक्टूबर 2023 के दिन जी ब्रदर जी जैसे रोज़ की तरह अपना काम करते थे जो कि ये चिकन फ्राई करने का शाम के टाइम काम करते थे, और उस दिन भी जे शाम के समय अपनी शॉप पर अपनी दुकान लगाकर एक बाज़ार जो कि अजनाला रोड पर इनकी जो शॉप है और वहाँ पर अपना काम कर रहे थे, और उस समय के वीडियो को देख सकते कि जिस समय इनकी जो जहाँ पर इनकी शॉप है, तो जे बता रहे कि जैसे जे शाम के टाइम अपना काम कर रहे थे, चिकन फ्राई कर रहे थे, तो हम सब स्क्रीन पर इस वीडियो को देखेंगे, और जे काम करते थे उस समय जे बता रहे कि 7 अक्टूबर के दिन जैसे जे काम कर रहे थे, उस समय उस बाजार से एक बैटरी ऑटो रिक्शा आया, और जो कि जो इनके जो टेबल पर जितना भी इनका सामान लगा था, और उस ऑटो रिक्शे के जो कि वो टेबल पर आके ऐसे उसकी टक्कर हो गई, और जितना भी उस कढ़ाई में गरम तेल था वो सारा तेल इनकी बॉडी पर पड़ गया, और जो बता रहे कि उस समय इनकी पूरी बॉडी जल गई, इनकी पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शाले पड़ गए थे, और इनके लेफ्ट टांग और लेफ्ट बाजू और इनके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा शाले पड़ गए थे, इतना गर्म तेल था। हम उस समय की पिक को देख सकते स्क्रीन पर, और जैसे कि हम देख रहे बहुत ही बड़े बड़े शाले पड़ गए थे, बहुत बड़े घाव थे, और बहुत ही ज़्यादा जो बता रहे कि उस समय इनकी बॉडी पर जलन थी क्योंकि इतना गर्म तेल पड़ गया था, और जो बता रहे कि जैसे फिर उस कंडीशन में इस ब्रदर जी को डॉक्टर के पास लेकर गए किसी बड़े हॉस्पिटल में, तो जो बता रहे कि डॉक्टर इन्हें एडमिट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो कहते थे कि इस ब्रदर जी ने कुछ अपने आप अपने साथ कुछ किया ना हो, या फिर घर में किसी के साथ कलेश झगड़ा कर ऐसा कुछ किया ना हो, पर जैसे फिर इनकी फैमिली ने पहले परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर जी जो डॉक्टर हमारी कोई भी बात नहीं मान रहे और जी हमारे बेटे को एडमिट नहीं कर रहे, क्योंकि उस समय इनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी, बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि पूरी बॉडी पर ही शाले पड़ गए थे, तो जैसे इनकी मदर इनकी फैमिली ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, तो उस समय फिर डॉक्टर ने इनको एडमिट किया। इन्होंने फिर बताया कि इनकी शॉप थी, किचन शॉप की इनकी दुकान थी जहाँ पर जी काम कर रहे थे, और काम करते दौरान इन पर तेल पड़ गया था बहुत ही गर्म, जिसके कारण जी पूरी प्रॉब्लम इनकी बॉडी पर है। तो जैसे ही फिर डॉक्टर ने इस बात को माना और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना, और जैसे ही डॉक्टर ने एडमिट किया, तो जी बता रही कि डॉक्टर ने बोला कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है
तीन महीने लग जाएंगे इसको सही होने तक, क्योंकि इतने ज्यादा जो जख्म है, शाले बढ़ गए हैं, इसमें से पानी निकलता रहेगा और आपको बार बार इसकी ड्रेसिंग, इसको इसकी पट्टियां करनी पड़ेगी और काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा बड़े घाव है। और जो बता रहे कि पर इनका विश्वास था कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते, और इनकी फैमिली भी विश्वास करी थी। और उसी दिन ही जब इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की और टीम को बताया कि जिस प्रॉब्लम है, तो जैसे फिर इनकी बात परमेश्वर के दास के साथ हुई, तो और भी परमेश्वर के दास ने इनके मदर को टीच किया, उत्साहित किया कि परमेश्वर आपके साथ है, आपने डरना नहीं, विश्वास में बने रहना है, परमेश्वर आपको जल्दी इस प्रॉब्लम से आपको फ्री कर चुके। जैसे इनको उत्साहित किया और जो विश्वास में बने रहे, फिर कुछ जो बता रहे कि जैसे उन दिनों में परमेश्वर के दास हॉस्पिटल में गए, तो जिस समय जब ब्रदर जी की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा थी, तो जैसे फिर परमेश्वर के दास के द्वारा इस ब्रदर के लिए प्रेयर हुई, हम उस समय की वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। प्रार्थना करता हूं इस बच्चे के लिए, मेरे प्रभु, जो भी डेविल ने अपनी चुप्पी के नाम इस हालात को पैदा किया, शैतान की हर चुप्पी को प्रभु यीशु मसीह के नाम के विच निष्फल कर, निष्फल करता खुदा, मैं घोषणा करता चंगियाई की रिकवरी की, यस खुदा, मैं घोषणा करता चंगियाई की रिकवरी की, नेम ऑफ जीसस मेरे जीवन नाम से, सारी सूजन यीशु मसीह के नाम से, राइट नाउ इसी समय खुदा तेरे जीवन नाम से सारी सूजन जाए, स्किन का सूखना शुरू, सारी स्किन सूखने लगे यीशु मसीह तेरे नाम से, सारी स्किन में जो पानी भरा यीशु मसीह तेरे नाम से सूख जाए मेरे को, सूख जाए तेरी सामर्थ्य, तेरी अभिषेक की सामर्थ्य, तेरे मसे से, यस खुदा, मैं तेरे नाम सफल को रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ खुदावन तेरे बच्चे के ऊपर, यस खुदा, सारी सूजन जाए, स्किन का सूखना शुरू हो, स्किन का यीशु मसीह के नाम से सूखना शुरू हो, सूजन जाए, सारी बॉडी की रिकवरी हो, द नेम ऑफ जीसस खुदा, यस, विश्वास करता हूँ खुदावन, तो अपनी सामर्थ्य हाथों से शुक्र दे, अपने बच्चे को हील कर चुका, चंगा कर चुका, नेम ऑफ जीसस खुदा, यस, विश्वास करता हूँ जो मैंने कहा, जो मैंने बोला, निश्चय खुदा, ऐसा हो चुका है, तेरे जीवन और पवित्र नाम से मांगते हैं, और जी ब्रदर जी बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इस ब्रदर के लिए प्रेयर हुई, और जी बता रहे उस दिन से जितने भी इनकी बॉडी में जो बहुत ही गहरे शाले थे, जख्म हो गए थे, उसमें पानी भरा था, परमेश्वर के सामर्थ्य ने उस दिन से इनको छुआ, और जी बता रहे कि धीरे धीरे वो जख्म सूखने शुरू हो गए, जो कि डॉक्टर का कहना था कि 3 महीने लग जाएंगे, पर परमेश्वर की सामर्थ्य ने 1 महीने में इनको इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से आजाद कर दिया। अभी जितने भी इनकी बॉडी में जो जख्म थे पूरी तरह सूख चुके हैं, हम अभी देख सकते हैं, तो ब्रदर जी आप दिखाइए। हम देख सकते कि जो पूरी तरह से बॉडी में जख्म थे, जो कि जो कपड़े भी पहन नहीं सकते थे, और आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इस जख्म को पूरी तरह से सुखा दिया। नीचे तक दिखाऊं, पूरा अच्छे से नीचे तक दिखाऊं, फिर से ऊपर दिखाऊं, पूरा पांव भी दिखाऊं, ओके, बाजू पर भी, उतारनी पड़ेगी, ठीक है,
तो हम देख सकते हैं कि आज परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा एक ही महीने में परमेश्वर ने जितने भी बॉडी में जख्म थे बहुत ही ज्यादा गहरे गांव थे, शाले पड़ गए थे, पानी के साथ वो भरे हुए थे, आज पूरी तरह परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से इनको छुआ। आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कपड़े पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, अभी परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से परमेश्वर को आजाद कर दिया है। सच में करते हैं, अपने हाथों को उठाओ क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। बोलो क्या है, जो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जीसस ने कहा विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि जिस समय ये प्रॉब्लम थी इनके मदर रो रहे थे, ये बड़ी तकलीफ में थे, अपने पिक में देखा कितने बड़े बड़े शाले और उसमें पानी भर चुका, और जब भी इनकी ड्रेसिंग होती थी मतलब पट्टी करते थे तो वो सारी चमड़ी उतर जाती थी, पूरा रेडनेस, पूरा बहुत दर्द तकलीफ, और उसके कारण इनकी ये टांग और इनका बाजू सूज कर इतना पूरा फूला हुआ था। क्या हुआ था, इनकी टांग और बाजू पूरा उस प्रॉब्लम के कारण वो सूज गया था, बहुत सूजन आ गई थी, उस समय बड़ी तकलीफ थी। बोले क्या थी, और इनके मदर भी रो रहे थे, ये सारा परिवार बहुत परेशान थे, क्या होगा, बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने कहा ये क्रिटिकल ये केस है, इसे टाइम लगेगा। बोले क्या है, ये क्रिटिकल केस है, इसे टाइम लगेगा, 3 महीने तो है ही है, उसे ऊपर भी जा सकता है, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। बोलो इससे पहले कुछ भी, पर जैसे खुदा का हाथ इनके ऊपर गया, जैसे प्रेयर हुई यीशु के नाम से, आपने देखा एक ही महीने के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम से परमेश्वर ने रिकवर कर दिया सारे, जैसे घोषणा की ना जख्म सूखने की, यीशु के नाम से घोषणा की गई, इतने इतने शाले, इतने इतने बड़े शाले थे जिनमें पानी भरा था, पूरा पानी, और एक ही महीने के अंदर अंदर सब कुछ सूख गया। अभी आपने देखा है सारे जख्म सूख चुके हैं, कपड़ा तक भी नहीं पहना जाते थे, इतनी प्रॉब्लम थी। महाराज आपके सामने हैं, भले चंगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, माइक माइक तो नहीं। जी हाँ ठीक है, जयमसीदी पापा जी, जयमसीदी। अब थोड़ा लोगों को बताओ कि जब आप हॉस्पिटल में थे तो थोड़ा बताओ अपने बारे के, कैसे कैसे क्या क्या मुश्किल थी, कितनी तकलीफ थी। जब वो पट्टी करते थे शाम को तो इतनी तकलीफ थी कि वो पूरा उतारना पड़ता था, और ड्रेसिंग के बाद तो मुझे टॉयलेट भी नहीं जाया जाता था, मतलब आपसे मतलब चल भी नहीं सकते थे, जो मेरा जख्म है जोर पे इसीलिए चला नहीं जाता था तब, मतलब पूरी सूज गई थी बॉडी में। हाँ जी, और पूरा जो जख्म में गले हुए थे ना। हाँ जी, हाँ जी, पूरा पानी भर गया था, पानी भर गया और आपसे खड़ा नहीं, टॉयलेट तक भी नहीं जाया जा रहा था। लगा लो साहब कितनी मुश्किल थी। बोलो क्या थी, कितनी मुश्किल थी, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अब कैसे क्या होगा, पर हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो सामर्थी है। बोलो क्या है, वो सामर्थी और सच्चा है। बोलो क्या, वो सामर्थी और सच्चा है जो सब कुछ करने की क्या रखता है, क्या रखता, बोलो पावर, वो शक्ति रखता है। आइए भाई साहब आपके सामने हैं, कोई हालात नहीं है, फिर से आप अभी अपनी दुकान लगा रहे हो। हाँ ठीक हो गया, सब कुछ चल रहा है बढ़िया, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा था कि काम भी बंद हो गया ना। बोलो क्या है, क्योंकि यही मेन, इनके फादर भी इनके साथ थे, पर जो वो चिकन का काम, चाहे कच्चा है चाहे फ्राई करना, क्योंकि इन्हें नॉलेज थी,
बोलो क्या थी? इन नॉलेज थी, तो दुकान बंद हो गई। बोलो क्या है? दुकान भी बंद हो गई, सब कुछ ऐसे लग रहा था, क्योंकि अगर दुकान बंद है तो कम से कम किराया कितना था दुकान का? 10,000 तो किराया ही था दुकान का। अब कोई काम नहीं, ऊपर से किराया बढ़ रहा है फ्री में, तो इंसान के मन में क्या क्या विचार आते हैं ना, ऊपर से नुकसान हो गया, ऊपर से पैसे लग रहे हैं, तो बहुत कुछ मन में विचार आ रहे थे। इनके मदर तब रो रहे थे, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो वो आपको मूल समेत एक एक चीज को डबल करके ट्रिपल करके वापस देगा। क्या देगा? सुनो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना बड़ा हालात आने के बावजूद भी अब ये जल्द, इनका बड़े सालों से पुराना घर था, अब वो बनाने जा रहे हैं। क्यों जी? हाँ, बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जब मुझे याद है खुदा मुझे इनके पास लेकर गया तब ये बिल्कुल नए थे। मैं पहली बार गया इनके एरिया में, मैंने विजिट की थी, और जब मैं गया तो मैंने कहा ये ऐसा नहीं रहेगा, ये जल्द बन जाएगा, क्या जाएगा, इनका घर ऐसा नहीं रहेगा। अब खुदा ने मेरे मुंह से फिर से, अब कितनी प्रॉब्लम आ गई, कितना बड़ा हालात आ गया। अब ये तो क्योंकि शैतान हालात देकर हमारे मनों को खराब करता है, क्या करता, हमारे मनों को खराब करता है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर डबल आशीष देगा, अब जल्द घर तो आपका बनने वाला है, आप यहां पे अपनी खुद गाड़ी पर आया करोगे, खुद अपनी कार में, ये होने वाला है। तारीफ कर दो इस बड़े काम के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाओ, सारे अपने हाथों को उठाकर करो, करो तारीफ जोर से। जो हो ना सके उसे करना, कोई कर ना सके जो उसे करना, जो हो ना सके उसे करना, कोई कर ना सके जो उसे करना। जे जल में है मसीहा के, जे जल में है मसीहा के, जे जल में है मसीहा के, मसीहा मुर्दों में सांसे भरना, जल में है मसीहा के, मुर्दों में सांसे भरना, ये जल में है मसीहा के, मुर्दों में सांसे भरना, ये जल में है मसीहा के। आमेन, आमेन। जोर से फिर से बोलो ते तीन बार हालेलुया, फिर से आमीन। आप ब्लेस हो चुके हो सारे, मैंने कहा आप सब ब्लेस हो चुके हैं। आमीन।